ईडी ने कोटक महिंद्रा बैंक के एक मैनेजर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के केजी मार्ग पर स्थित बैंक में छापेमारी कर इस बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। पारसमल लोधा और रोहित टंडन केस के सिलसिले में पुलिस ने बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी हुई है। बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ चल रही है। कोटक महिंद्रा ब्रांच के बैंक मैनेजर से फिलहाल पूछताछ चल रही है और अब पूछताछ में और क्या हासिल होता है, क्योंकि किन किन के खाते हैं, किन किन के फर्जी कंपनियों के नाम से अकाउंट्स वहां पर खुले थे और कितनी मात्रा में वहां पर राशि मिली है, कैसे ये हुई है, तो फिलहाल जो सारी डिटेल्स हैं वो पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और गिरफ्तारी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात इसलिए है, अहम मानी जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा कोई सबूत जो है वो ईडी के हाथ लगा है और उसी की तर्ज पर ये गिरफ्तारी की गई है। आगे देखते हैं कि कौन कौन से और लोगों के नाम सामने आते हैं।